नमस्कार, पॉलिटिक्स फर्स्ट में आपका स्वागत है। बांधवगढ़ उपचुनाव में अनूठा संयोग देखने को मिल रहा है। एक सांसद पिता अपने पुत्र को विधायक बनाने के लिए चुनाव प्रचार में उतरा हुआ है। ज्ञान सिंह एक मंत्री, एक सांसद और इसके साथ एक पिता के तौर पर गांव गांव जा रहे हैं। ज्ञान सिंह के जज्बातों और क्षेत्र को लेकर उनके सपनों के बारे में इंडिया फर्स्ट ने खुलकर बात की। देखिए उमरिया के बांधवगढ़ से इंडिया फर्स्ट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में उपचुनाव हो रहे हैं। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो हैं शिव नारायण जी, और शिव नारायण जी के जो पिताजी हैं ज्ञान सिंह जी, जो कि सांसद भी हैं, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भी रहे हैं, वो इस समय एक्सक्लूसिव इंडिया फर्स्ट के साथ मौजूद हैं। हम बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इस समय चल रहे हैं और किस तरह से प्रचार हो रहा है, एक पुत्र का अपने पिता जो है प्रचार कर रहे हैं, तो उनसे बातचीत करेंगे। ज्ञान सिंह जी, आप बताइए, बतौर पिता प्रचार कर रहे हैं या बतौर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर प्रचार कर रहे हैं, नेता के तौर पर प्रचार कर रहे हैं? धन्यवाद भाई साहब। इस समय मैं अपन दोहरी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। सबसे पहले पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, पार्टी का जो कर्ज मेरे ऊपर है उसके नाते, और दूसरा पुत्र के लिए कोई क्या नहीं कर सकता है। दोनों जिम्मेदारियों को निर्वाह हो जाए, इस उद्देश्य को लेकर के मैं जनता के बीच में और समाज के बीच में, मतदाताओं के बीच में और प्रयास कर रहा हूँ अधिक से अधिक जगह पहुँचने का। टिकट की बात है तो ये भी बात सुनी गई थी कि आपके द्वारा ये शर्त रखी गई है कि तभी आप सांसद का चुनाव लड़ेंगे जब आपके बेटे को टिकट दिया जाएगा विधानसभा का। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो लोकसभा चुनाव को भी टिकट के लिए, आप जानते हैं मेरे भाई, मैं कब किसी दूसरे को ला दूं। अपने विभाग से इतना काम किए हैं, क्यों दोबारा उपचुनाव कराते हो? तमाम कई बार सर्वे संगठन ने कराई, आपके मीडिया की तरफ से रिपोर्टिंग गई, तब ये तय हो कि आवाज़ और मैं कहूँ किसी को। इसी तरह विधानसभा में हुआ, कई बार सर्वे हुआ, मैं कहूँ देख लो भाई, लोग कुछ भी बोलते रहे संगठन पदाधिकारी था, अभी जिले का महामंत्री है ना, और जिले का उपाध्यक्ष भी रहा, और विभिन्न संगठनों में अब स्वयं सेवक कार्यकर्ता है, पूर्णकालिक है, मेरे पांचों बच्चे पूर्णकालिक हैं, अवसर शिशु मंदिर के छात्र हैं, अब सब टॉपर हैं, सब मेरिट में हैं, जिसमें दो तो गए सर्वे, एक मैनेजर ओबरमैन होगा, एक अभी पीएससी में बैठा भी पटवारी है ना, अभी कभी अभी आपके जनपद में है, एक यही बचा था तो नेतागिरी में, पॉलिटिक्स में सब टॉपर। आप तो संस्कारित लोग हैं, संगठन जिनको चाह दे दिया। आप अपने पुत्र के, अगर आपके जीतते हैं, शिवनारायण सिंह जो है जीतते हैं, तो क्या आप उनके लिए मंत्री पद के लिए भी फिर आप अपेक्षा करेंगे? कोई आग्रह, कोई कमेंट नहीं। वो वर्कर है, जनता की सेवा करे, मांगने से मनी, काम करने से जो मिले अच्छा होता है, काम करने से जो आशीर्वाद मिले अच्छा होता, मांगना नहीं चाहिए। अब आपका एक जो कोई सपना जिसे कहा जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा आपका राजनीतिक जो है अब कार्यकाल हो गया है, आपके बेटे भी सियासत में कदम रख रहे हैं, तो एक कोई सपना जो आप अपने क्षेत्र के लिए पाले हुए जो आप पूरा करना चाहेंगे जो अभी तक अधूरा है? देखिए भाई साहब, ट्रेनों के आवागमन रुक, स्टॉपेज का, कुछ नई ट्रेन चलाने का, मेरे पत्राचार के माध्यम से अभी माननीय रेल मंत्री जी का मेरे पत्र आए हैं, मेरे ये प्रयास हो कि सब तो हो गया, सिंचाई परियोजना दो तीन चार बाकी वो भी होंगे, कोई उद्योग लग जाए। बहुत शुक्रिया ज्ञान सिंह जी। तो कहीं ना कहीं कुछ सपने जरूर हैं यहाँ पर ज्ञान सिंह जी के, अपने पुत्र को वो नसीहत देते हैं कि वो भी विनम्र रहे, उन्हीं की तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञान सिंह जी अपने आदर्श मानते हैं, लेकिन एक छोटी सी कमी है इस क्षेत्र में रोजगार की, कहीं ना कहीं उद्योग लगाने की, ये सपना भी वो जल्द पूरा करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर बांधवगढ़ और खासतौर पर उमरिया अगर क्षेत्र की हम बात करें तो काफी विकास यहाँ पर जरूर हुआ है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या ज्ञान सिंह जी की जो विरासत है, जो सियासी विरासत है, उसका परिपालन उनके बेटे भी कर पाते हैं, और क्या जनता भी उतना ही भरोसा उनके बेटे यानी कि शिवनारायण सिंह पर जताती है। कैमरामैन अनवर खान के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज, उमरिया।